हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है MSE 108 का। और ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था 12 मार्क्स के लिए। ओके, क्वेश्चन है इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सप्लाई ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। ओके, हम जनरली जो अब हम देखते हैं तो हमको दो ही पता है सर्विसेज प्रोवाइडर्स, एक तो प्राइवेट या दूसरा होता है पब्लिक। पब्लिक सर्विसेज मीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और प्राइवेट मीन्स जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं। ओके, इन मोस्ट ऑफ द कंट्री क्या होता है, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक पब्लिक भी और प्राइवेट भी। इनका जो रोल होता है, रोल ऑफ अ प्राइवेट हेल्थ केयर इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ केयर इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड मैनेजमेंट। अभी अगर हम प्राइवेट की बात करें और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये क्या ये किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम रहता है। इनका ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट कमाना, और उन और वो जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसका जो फाइनेंस जो वो करते हैं वो किससे करते हैं, जो भी पब्लिक से ही पैसा लेके वो सारे सर्विसेज को वो फाइनेंस करते हैं। बट ये जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेलफेयर होता है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर। तो ये उनकी इनका ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, इस ऑब्जेक्टिव की वजह से ही क्या होता है, इनके फंक्शन में भी चेंज आ जाते हैं और इनके मैनेजमेंट में भी चेंज आते हैं। जनरली आप देखेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो सिटी में ज्यादा ज्यादा दिखेंगे, वो गांव में नहीं दिखेगा ज्यादा, रूरल एरिया में आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिटी में वो ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, रूरल एरिया में वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा उनको द हॉस्पिटल रन करना। ठीक है, और इसका जो फाइनेंस किया जाता है मोस्टली डेमोक्रेटिक एज वेल प्लान इकोनॉमी में जो ये फाइनेंस किया जाता है ये पब्लिकली फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा ही फाइनेंस किए जाते हैं। ओके, फॉर इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे यहाँ एक तो आपको वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट में सर्विसेज मिल जाती है, दूसरी और एक बात कि कई कुछ ऑपरेशंस इस तरह से होते हैं जिसका अगर आप कॉस्ट पे नहीं कर सकते तो वो आपको अंडर स्कीम रहते हैं उनके पास कुछ कुछ, जिस स्कीम के कारण आपको एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन उसके लिए करना होता है, और उस स्कीम से आपको क्या हो जाता है कि वो फीस जो होता है ऑपरेशन फीस आपको पे नहीं करनी पड़ती। इसके लिए अभी ना आपने कोई इंश्योरेंस पे किया है ना कुछ, ये तो पब्लिकली फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने ही आप से ही आपको वो कॉस्ट जो है वो पेड उधर से हो गया और इसकी आपको क्या मिल गई, सर्विसेज मिल गई। इसका भी कोटा होता है, वो अकॉर्डिंग टू कोटा वो सर्विसेज मिल जाते हैं। जनरली जो बीपीएल के जो लोग होते हैं, उन जिनके पास बीपीएल का कार्ड होता है उन्हें तो ऐसी कई सर्विसेज मिल जाती है। बिसाइड जो देखो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसमें हम देख चुके हैं कि जो कॉस्ट होता है वो मिनिमम होता है, और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी क्या है, ये एक पब्लिक पब्लिक गुड है जिसके कारण जैसे क्या होता है वो नॉन राइवलरी होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। तो इन दो प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाता है, नॉन राइवलरी मीन्स कि एक का कंजप्शन दूसरे पे के कंजप्शन को अफेक्ट नहीं करता, और नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स हम किसी भी कारण से किसी को भी सर्विसेज अवेल करने से हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और इन दो प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट पर डॉक्टर इन इन पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, और क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल में लोग ज्यादा होते हैं जिस वजह से क्या होता है, इसके जो सर्विसेज होते हैं उस सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसकी क्वालिटी पे इसका
इम्पैक्ट होता है। ना ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं वो कैसी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होती है और एक दूसरे से क्या मल्टी प्रोडक्ट इसमें होते हैं और कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे ही किसी को थोड़ा सा भी बहुत मिनिमम भी अगर कुछ कोई बीमार पड़ जाता है और वो सबसे पहले तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है ना, अभी डॉक्टर उसको क्या बताएगा, कोई डायग्नोस करने के लिए कोई डिजीज होगा या उससे रिलेटेड डायग्नोसिस के लिए क्या बताएगा, वो टेस्ट बताएगा। ठीक है, फिर टेस्ट के बाद क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट प्लान करेगा। और ये सब चीजें कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए। डॉक्टर ने डायग्नोस जो करेगा वो टेस्ट, जो भी कोई डायग्नोस करेगा वो, या टेस्ट के थ्रू डायग्नोस करेगा वो, डायग्नोस कैसे होना चाहिए, राइट होना चाहिए। और वो जो ट्रीटमेंट देगा वो ट्रीटमेंट भी कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए। और वो ट्रीटमेंट के लिए क्या करेगा, आपको कोई मेडिसिन देगा, और वो मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेंगी, फार्मेसी से मिलेंगी। तो ये देखो अभी बहुत ही एक छोटे से एग्जांपल में भी हमने कितना है देख लिए, तीन फैक्टर देख लिए, एक तो डॉक्टर, फिर वो जो भी आपको टेस्ट बताएगा वो टेस्ट, और फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये तीन, अगर इन दोनों में तीनों में अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उस इंसान की हेल्थ सुधरने के बजाय और भी बिगड़ सकती है। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स भी होती है, मल्टी प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे अभी हमने सिंपल केस में भी कितने देख लिए, तीन प्रोडक्ट देख लिए और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होती है। ठीक, एक बार मैं इसे पढ़ लेती हूँ। द सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे आर ऑफन मल्टी प्रोडक्ट इंटरडिपेंडेंट। सच इंटरडिपेंडेंसी इन्फ्लुएंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज ड्यू टू द फैक्टर लाइक। अब ये तो मैंने तीन फैक्टर इजी फैक्टर बता दिए थे, लेकिन अभी इसके और फैक्टर से, और वो टोटल है फाइव। ठीक है, डॉक्टर तो समझ में आता है, जो भी डॉक्टर्स हो गया, ट्रेन प्रोफेशनल्स हो गए, फिजिशियंस, सर्जन, स्पेशलिस्ट, नर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस हो गए और फार्मासिस्ट हो गए। इसके अलावा जो डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस थ्रू प्रोसीजर एंड टेस्टिंग, डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए क्या लगते हैं, कुछ प्रोसीजर्स लगते हैं या टेस्ट रहती है। ओके, और अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन में भी फिर आपको नर्सिंग की केयर कैसी है, उसका हॉस्पिटल के सर्विसेज कैसी है, क्लीनिंग के सर्विसेज हो गया, कैटरिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, है ना, वहाँ के सैनिटेशन कैसा है, ये सब सर्विसेज भी मायने रखती है। इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट कैसा है, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज कैसी है, सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये देखो अगर आप सोचोगे तो ये पांचों में से अगर एक भी मिसिंग रहा तो क्या होगा, पेशेंट की जान खतरे में आ सकती है। वैसे ही द पोटेंशियल ऑफ एनी ऑफ दीज क्रिटिकल सर्विसेज प्लेसिंग द पेशेंट्स लाइफ इन डेंजर इट्स वॉट मेक द हेल्थ केयर सर्विसेज म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लेक्स इन इट्स कैरेक्टर। जिस वजह से क्या होता है, इसका सर्विसेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये देखो इसके जो सर्विसेज है ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस मतलब देखो डॉक्टर अलग, मतलब एक अलग आइडेंटिटी है उस पूरे प्रोसीजर में, मेडिसिन एक अलग फैक्टर है ना, वहाँ का जो टेस्टिंग होता है, डायग्नोसिस का प्रोसीजर होता है वो कैसा है, ये अलग ही फैक्टर है। मतलब ये सेक्टर कैसा है, वो होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस है और इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सर्विसेज होते हैं, और वो सिंपल मार्केट के जैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और द इन एडिशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंट्री ऑफ बिग प्राइवेट हॉस्पिटल्स रन ऑन कॉर्पोरेट साइड इन हेल्थ केयर मार्केट, दिस इज सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द मार्केट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसिंग द डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इन द अर्बन मार्केट। अभी देखो अर्बन मार्केट में आपको जिस तरह की सर्विसेज मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, अर्बन में मिलेंगे। रूरल में आपको मिलेंगे क्या, रूरल में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं मिलते, अर्बन में ही आपको हॉस्पिटल्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्बन में क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और
वहाँ के जो लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो पे कर सकते हैं, जिस वजह से वहाँ पे उनको अर्बन में प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। और इसके वजह से क्या होता है कि जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होती है वो कैसी उस पर इफेक्ट होता है, एक एक तरह का क्या हो जाता है, कंपटीशन डेवलप हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है हर हॉस्पिटल की कोशिश क्या रहती है कि वो अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल बता दूँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेगा, वो हर कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो अच्छी सर्विसेज प्राइवेट करे। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा तभी तो ना लोग उसके पास जाएंगे और ट्रीटमेंट लेंगे और पैसे पे करेंगे। ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छी सर्विसेज नहीं देता उसके पास लोग क्यों जाना पसंद करेंगे। ठीक है, और जनरली क्या होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कौन जाते हैं, इलाइट लोग जाते हैं, गरीब लोग कहाँ जाते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। उसकी खास सादी सी वजह क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको मिनिमम कॉस्ट में ट्रीटमेंट मिल जाता है। ठीक है, और कहीं और मिनिमम कॉस्ट या कुछ चीज़ें उनको फ्री में भी मिल जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि ये जो सप्लाई सप्लाई डिमांड और सप्लाई के बीच की जो गैप होती है हेल्थ केयर सर्विसेज की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दो चीजें होने की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट पे जो प्रेशर होगा, पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जो पेशेंट का प्रेशर होगा वो कैसे होगा, कम होगा, क्योंकि जो पे कर सकते हैं वो कहाँ जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट जॉइंटली सो एज टू ब्रिंग द कॉम्पिटिशन इन द सर्विसेज। दोनों एक साथ काम करने से क्या आएगा, कॉम्पिटिशन आएगा, प्रोवाइड ऑन द वन हैंड एंड ऑल्सो ब्रिंग द ह्यूज गैप, ब्रिज द ह्यूज गैप इन द हेल्थ केयर सर्विसेज डिमांडेड बाय द पॉपुलेशन। और हेल्थ और डिमांड और सप्लाई के बीच का भी जो डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये और डिफरेंस था हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू।